मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में आपका प्रदर्शन। पीएम आवास घेरने निकले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। पीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से दूसरा सरकारी आदेश किया जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय को मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त जांच और दवाई मुहैया कराने के दिए निर्देश। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का काउंटर प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। आपके प्रदर्शन के चलते दिल्ली में बंद रहेंगे 3 मेट्रो स्टेशन के गेट। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5, पटेल चौक गेट नंबर 3 पर धारा 144 लागू। हरियाणा में विवादों में घिरी बीजेपी। 10 में से 6 सीटों पर पूर्व कांग्रेस नेताओं को दिया टिकट। अपनों से ज्यादा कांग्रेसियों पर भरोसा जताने के लगे आरोप। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस नेता नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से दाखिल किया नामांकन। पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए आज पहली सूची जारी कर सकती है शिवसेना यूबीटी। सूची में 15 से 16 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने लॉन्च किया सी विजिल ऐप। ऐप करेगा आचार संहिता के उल्लंघन की निगरानी। बीजेपी ने 6 बार के सांसद अनंत कुमार हेगड़े का काटा टिकट। 400 सीटें लाकर संविधान बदलने को लेकर हेगड़े ने दिया था विवादित बयान। पार्टी ने बयान से किया था किनारा। विशाखापत्तनम में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायंफ 2024 जारी। यूएस नेवी के जवानों ने जताई खुशी, कहा भारतीय नौसेना से बहुत कुछ सीखा। भारत ने इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू असेंबली की बैठक में पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा लोकतंत्र पर ना दे उपदेश। लोकतंत्र के खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले देश का लोकतंत्र पर उपदेश देना हास्यास्पद। बाउंड्री विवाद पर चीन ने फिर दिखाया बड़बोलापन, कहा 1987 में भारत ने बनाया तथाकथित अरुणाचल प्रदेश, भारत का कदम अवैध और अमान्य। गाजा में सीजफायर का प्रस्ताव यूएनएससी में पास, पहली बार अमेरिका ने नहीं लगाया वीटो। नाराज नेतन्याहू ने इजरायली अधिकारियों का यूएस दौरा किया रद्द। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा ने देश में शरिया लागू करने का किया ऐलान, कहा महिलाओं को अवैध संबंध पर पत्थर मारकर देंगे सजा, सरेआम मारे जाएंगे कोड़े। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल को दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना से मिला 194 करोड़ का ऑर्डर। 228 कंप्यूटर एयरक्राफ्ट की डील तय। भारत की जीडीपी दर तेज बने रहने की उम्मीद। रेटिंग एजेंसी एसएनपी ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विकास दर के 6.4 से बढ़कर 6.8% होने का लगाया अनुमान। आईपीएल में आज 2023 की फाइनलिस्ट टीमों में होगी भिड़ंत। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा सीएसके वर्सेस जीटी मैच। दोनों ने जीते ओपनिंग मुकाबले। बड़े मियां छोटे मियां का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। अक्षय टाइगर के एक्शन ने मचाया धमाल। फिल्म 10 अप्रैल 2024 को होगी रिलीज। क्रिश 4 पर बड़ी अपडेट आई सामने। 2024 के अंत तक ऋतिक रोशन राकेश रोशन स्क्रिप्ट कर देंगे तैयार। 2025 में शुरू होगी शूटिंग।